दोस्तों बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि BMS अल्टरनेटिव मेडिसिन करना है या MBBS अल्टरनेटिव मेडिसिन करना है। तो बहुत बार मैं उनको बताता हूँ कि ऐसा कोई कोर्स जो है आयुर्वेदिक योग व प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय आयुष द्वारा नहीं है। तो वो बच्चे आगे से कहते हैं कि हमारे गुरुजी भी RMO लगे हुए थे हॉस्पिटल में, उन्होंने बोर्ड भी लगाया हुआ है, उनका 30 साल से काम चल रहा है। तो मैं उनसे कई बार कहता हूँ कि किसी ने कोई बुराई की है और वो बुरा आदमी अभी तक कानून के हाथों से बचा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वही करो। तो आखिरकार मैंने क्या किया, मैंने RTI आयुष मंत्रालय में ही लगा दी कि वेदर BMS AM, BMS अल्टरनेटिव मेडिसिन या MD जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है, क्या वो आपके मिनिस्ट्री से रेकोगनाइज्ड है। तो आगे से उन्होंने जवाब दिया है कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी डिग्री इज रेकोगनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अंडर 2 शेड्यूल ऑफ इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल IMCC एक्ट 1970। तो BMS जो आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी वाला है वो तो रेकोगनाइज्ड है आयुष से, बाकी के लिए वो चुप हो गए। तो आप समझदार हो, वो क्यों चुप हुए, अवेयरनेस ऑडियो है आपके लिए, पैसा फालतू है। तो BMS AM या MBBS AM में लगाइए, कल को कानून के हथकंडे चल गए तो बाहर भी आना मुश्किल हो जाएगा। तो अवेयरनेस है, आगे आपकी मर्जी, मानिए या ना मानिए। ये लेटर जो मेरे को मिली है F No. 1 17/11/91/2020 EP 26 अगस्त 2020 की है।